देखिए हमारा जो ये चैनल है माई जूनियर मैथ, अब हम इसका नाम चेंज करने वाले हैं। माई जूनियर मैथ को बदल करके अब हम इसका नाम चेंज करके बहुत जल्दी आपको बताएंगे, लेकिन आपको लोगों का कोऑपरेशन इसी तरह से जारी रहना चाहिए और मैं ऐसी उम्मीद आपसे करता हूँ। अब देखिए हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी ये 5.1, इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें ये कहते हैं इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। इसमें दो एंगल गिवन है, कौन कौन से एंगल है देखिए, एक तो एंगल 1 है और एक एंगल 2 है। इन दोनों के बारे में ये पूछ रहा है क्या ये दोनों एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट होने के लिए क्या जरूरी है कि उनका वर्टेक्स जो है वो कॉमन होना चाहिए। वर्टेक्स कहते हैं इसको, ये जो नोक बन रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं इस तरह से और इसके बीच में एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये दो एंगल जो बने हमारे पास में एंगल 1 एंड एंगल 2, ये जो दो एंगल बनेंगे इनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, ये वर्टेक्स है। तो ये दोनों एंगल 1 एंड 2 जो है ये कॉमन है। तो इस तरह से हमने ये एक एग्जाम्पल देके आपको समझाया कि एडजेसेंट हम किसको कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल के लिए जरूरी है कि उनका जो है ये वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। तो नो यहाँ पे लिखेंगे इसके आंसर में, नो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट, आर नॉट एडजेसेंट एज देयर इज नो कॉमन वर्टेक्स। क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है इसलिए दोनों ही एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं।